यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, ये तो अपनी फील्ड का शार्प शूटर निकला। पुलिस ने एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया है जिसने 31 साल पहले खुद का अपहरण होने का दावा कर नए नए परिवारों में बेटा या भाई बनकर एंट्री मारी। ऐसा भी नहीं है कि बंदा एक दो बार खेल कर निकल गया हो, बल्कि पूरे 9 परिवारों में अपनी नई नई पहचान के साथ घुस चुका था। अब सोचिए, इस भाई ने अपनी ही फर्जी पहचान का ऐसा जाल बुना कि हर बार एक नए नाम के साथ और सीधा परिवार में एंट्री मार लेता। जैसे ही पुलिस की पड़ताल शुरू हुई, ये राज खुलने लगे कि जनाब बचपन से ही चोरी चकारी में माहिर थे। अब घर वालों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन जनाब हार मानने वालों में कहां थे। घर वालों ने निकाला तो भाई साहब ने सोचा चलो औरों के घर में अपनापन ढूंढते हैं। इनके प्लान में सबसे खास बात ये थी कि जहां जाते वहां सीधे प्रॉपर्टी का हिसाब किताब पूछते, मतलब भाई को बस जमीन जायदाद में इंटरेस्ट था। अब ये जिस भी घर में जाता वहां एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर पहले तो मैं खो गया था, मेरा अपहरण हो गया था की कहानी सुनाता, फिर चुपचाप घर की प्रॉपर्टी का पूरा जायजा लेता। अब देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने इनका पूरा सिस्टम पकड़ लिया है। राजू भीम उर्फ इंद्रा नाम का ये भाई साहब एकदम चालाकी से अपने खेल में माहिर था। देहरादून में खुद को मोनू शर्मा बता दिया तो साहिबाबाद में भीम उर्फ राजू बनकर, और सबसे कमाल की बात यह है जिस परिवार में जाता वहां सबकी बातें सुन सुनकर समझ जाता कि घर में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं। अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया, इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहां जाके वेरीफाई किया तो वहां पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। अब इस खेल के पीछे की कहानी सुनिए। जनाब के मुताबिक मेरी माँ मर गई, घर में परेशानी हो गई, तो सोचा किसी और के घर में रोटी कमा लूं। वाह भाई, रोटी के बहाने घर में घुसना और फिर प्रॉपर्टी पर नजर डालना, यही इनका मिशन था। पुलिस अब तक 5 परिवारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है जिनके साथ ये महाशय रह चुके हैं, लेकिन हो सकता है और भी ठिकाना हो जहाँ ये शख्स अपनी अधिकारी का नमूना दे चुका हो। और हद तो तब हो गई जब साहिबाबाद परिवार ने शक होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने डीएनए जांच तक करवाई कि कहीं ये सच में उसी परिवार का बच्चा तो नहीं है जिसे बचपन में अपहरण किया गया था। अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा थाने में पुलिस ने तो इसे एक हफ्ते तक शरण दी, जूते से लेकर कपड़ों तक सबका इंतजाम किया और जनाब वही मजे से खा पी कर रहने लगे। थाने में बैठकर जब ये सोशल मीडिया पर खबरें देखता तो कोई ना कोई परिवार उसे पहचानने का दावा कर लेता और थाने पहुंच जाता। फिर भाई साहब चुनते कि किसके घर जाना है। पुलिस के मुताबिक बंता इतना शातिर था कि वो परिवार की बातचीत सुनकर ही समझ जाता था कि कौन कौन सदस्य और घर में क्या चल रहा है। अब देखना है कि इसकी और कितनी सच्चाइयां निकल कर सामने आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब आगे क्या आता है। सब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।